कई बार अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें स्टंट डालने की सलाह दी जाती है या अलग अलग तरह की सर्जरी की सलाह दी जाती है अगर उन्हें हार्ट से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, या किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आती है जी। हार्ट अटैक आने के बाद मैक्सिमम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है और उतना टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल जी, जो पेशेंट सर्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी रीजन से सर्जरी नहीं करवा सकते, काफी थोड़े टाइम में हमने बहुत सारे साइलेंट अटैक्स, अगर आप एसी में भी बैठे हैं फिर भी आपको स्वेट आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए एपिसोड आयुर्वेद सुने आरोग्य बने में, जहां हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जानते हैं हमारी एमडी आयुर्वेद डॉक्टर रंजना से। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर रंजना कि वो हमसे इस तरह के इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं जिससे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना पाते हैं। डॉक्टर रंजना, इस बार हमारे पेशेंट्स का जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो हार्ट और हार्ट हेल्थ से रिलेटेड आए हैं। इसमें पेशेंट्स जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जिससे वो खुद के हार्ट को हेल्दी रख पाएं, कौन सा तरीका, ऐसा नेचुरल तरीका अपनाएं जिससे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिता पाएं। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, जैसा कि हम देखा बीते कुछ दशकों में, बीते कुछ वर्षों में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज या कॉमन पीपल जिन्होंने हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवाई, इसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो काफ़ी ज़्यादा फिटनेस सीकर्स थे, बहुत ज़्यादा फिटनेस पे अपना ध्यान देते थे, लेकिन ऐसा क्या उन्होंने मिस किया या क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से कि उनके साथ ऐसा हुआ और उन्हें समय से पहले अपनी जान गंवानी पड़ी, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जैसे हार्ट और हार्ट हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, आपकी सारी सर्कुलेशन, आपकी दिन की दिनचर्या क्रिया सब हार्ट के ऊपर डिपेंड है, और कहते हैं ना कि अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने जैसे क्वेश्चन किया मेरे से कि काफी थोड़े टाइम में हमने बहुत सारे साइलेंट अटैक्स, उसको हम हार्ट अटैक नहीं बोलते, उसको हम साइलेंट अटैक्स होते हैं क्योंकि उसके पहले कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए। मतलब बहुत ऐसे सेलेब्स भी थे जो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, उनके रेगुलर टेस्ट्स भी होते हैं, सब कुछ भी है, लेकिन वो फिर भी एक अटैक जिसको हम साइलेंट अटैक बोलते हैं उससे वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये भी है कि आम लोग भी बहुत ऐसे हैं कि बहुत फिट हैं, बहुत हमारे क्या कहते हैं, बहुत अच्छा खाना पीना भी खा रहे हैं क्योंकि सब लोगों को आज अवेयर है लाइफस्टाइल में, लेकिन जो मेन है वो है हमारा स्ट्रेस फैक्टर। बीते सालों में सबसे जो इन स्टडीज में हमें निकल के आया है कि स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत बढ़ गया है जी। जो हम अपनी क्या कहते हैं दिन में चीजें कर रहे हैं, अपने ऑफिस से लेके घर तक, ऑफिस की परेशानियों से लेके घर की परेशानियों में हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक सेलेब हो चाहे एक कॉमन पीपल हो। लास्ट कुछ समय में जैसे कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई वर्ल्ड वाइड फेस किया बहुत सारे वायरसेस एंड बैक्टीरियाज की वजह से, कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे लोग अपने घर पे कैद हो गए। उससे क्या होता है कि जब आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे, किसी से मिलोगे नहीं, बहुत लोगों में ये भी है कि जो जो मेंस है वो अपने इमोशंस नहीं खुल के बता पाते और उनमें ये अटैक्स ज्यादा होते हैं। फीमेल्स क्या होती हैं कि वो अपने कहते हैं ना कि फीमेल्स के पेट में कोई बात नहीं पचती, तो मतलब वो अपना दुख दर्द कुछ भी बता देती हैं, तो उनका क्या होता है कि वो अपना भार हल्का कर देती हैं, जो बहुत अच्छा माना गया है मेरे अकॉर्डिंग कि जब आप किसी के साथ शेयर करते हो कोई भी चीज तो मतलब आप अपना स्ट्रेस अपना इमोशनली फ्री हो जाते हो, तो उसमें आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे ही सेलेब्स हैं, उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, स्ट्रेस लेवल बहुत है, उनके टाइमिंग्स लाइक शिफ्ट टाइमिंग्स और खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता है, तो उस लेवल पे क्या होता है कि आप अपनी चीजें बोलना शुरू कर देते हो और आपको साइलेंट अटैक हो सकता है। डॉक्टर रंजना के हिसाब से अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर आपका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं है तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, लाइक जो भी लोग हैं जो एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करते हैं जी, या फिर उनके ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड और इस तरह के डाइटरी हैबिट्स हैं, तो इससे भी हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल विशाल, देखिए जो ये है आपका फास्ट फूड है, इसमें बेसिकली कार्ब्स हैं, मैदा है। जो मैदा है वो क्या करता है कि आपके शरीर में जम जाता है, मैदा डाइजेस्टिबल ग्रेन नहीं है, वो सिर्फ जमने का काम करता है। मैदा खाएंगे, रिफाइंड ऑयल लेंगे, ठीक है, शुगर, अगर आप शुगर रिफाइंड शुगर भी लेते हैं तो भी क्या करेंगी, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्या करेगा कि वो जो फैट है वो आपके
हार्ट के ऊपर जमना शुरू कर देता है, ट्रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके जो हार्ट का एरिया है पंपिंग के लिए वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अगर हार्ट का एरिया ही कम हो गया तो वो अपना पंप कैसे करेगा, ब्लड प्रॉपर पंपिंग नहीं होगी तो आपकी जो आयोटा है उस पर अगर ट्रस्ट फॉर्मेशन हो गई तो उसका नैरो हो जाएगा, जिससे क्या है कि वो ब्लड रश नहीं करेगा, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। अगर पीछे से ही ब्लड क्लॉट होगा तो वो आपके हार्ट पे नहीं जाएगा, और जिसके कारण आपको अटैक या फिर आप कह सकते हैं कि आपको साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक या फिर ये स्ट्रोक की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो कार्ब्स, बाहर का फास्ट फूड और एक्सरसाइज नहीं होगी, जैसे मैंने अभी बताया है आपको कि अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी तो बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपके हार्ट के ऊपर पंपिंग प्रॉपरली नहीं होगी। तो इसका कारण क्या है कि आप इससे कर सकते हैं। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी इन चीजों से बढ़ता है। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, दैट इज वेरी हार्मफुल, कि वो हमें अपने दिन में चेक करवाना ही चाहिए थोड़े थोड़े टाइम बाद कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है। मोस्टली उन पेशेंट्स को जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से सफर कर सकते हैं, तो उनको तो हर 2 मंथ्स बाद अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना पड़ेगा, और उनको ये चीजों का अपने खाने पीने का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। एक्चुअली इसके साथ ही जैसे कि अब अगर हम बात करें कि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है हार्ट से रिलेटेड, कई बार मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि उन्हें हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप ईयरली अपने चेकअप्स कराते रहें, रेगुलर चेकअप से आप पता कर सकते हैं कि आपके ओवरऑल ऑर्गन्स और बॉडी आपकी कैसी है। फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जो नहीं कराते, मैक्सिमम नहीं कराते, तो ऐसे में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको समझने के बाद वो जान पाएंगे कि उनके उनको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उन्हें अब देखने की और उस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल विशाल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग ये चीज सर्च भी करते हैं कि हमें पहले ही कैसे पता चल जाए कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है या हम इस भयंकर बीमारी से बच सके। सबसे पहले लोग बहुत कैजुअली चीजें लेने लग गए हैं। अगर उनको गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है या ब्लॉटिंग हो रही है, तो उनको लगता है कि हमने शायद कुछ गलत खा लिया है, इसकी वजह से हो रही है। लेकिन अगर आपको ये कंटिन्यूटी में हो रही है तो हो सकता है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो। सेकंड, अगर आप थोड़ा सा भी कोई काम करते हुए थक जाते हैं, लाइक अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेस, 10 सीढ़ियां भी चढ़ रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, तो आपको अपने टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। थर्डली ये है कि अगर आपकी एपेटाइट पे असर पड़ा है, आपको भूख कम लग रही है, आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है या आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो भी ये एक कारण हो सकता है कि आपके हार्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा है। फोर्थली, अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, आपको लगता है कि मैं शायद मुझे कोई और प्रॉब्लम है जो मुझे नींद नहीं पैटर्न अच्छा है, तो नींद ना आने का कारण भी ये है कि आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिससे कि यार नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, बीपी पे असर पड़ेगा, जिससे एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आनी लाजमी है। फोर्थली ये है कि अगर आप खाना पीना, आपको लग रहा है कि मैं बहुत बाहर का खा रहा हूँ और मुझे खाना पीने खाने के बाद भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा कैफीनेटेड चीजें ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोक ले रहे हैं, तो भी आपको अपने टेस्ट रेगुलरली करवाने चाहिए। और आप देखिए कि अगर आपका क्या कहते हैं प्रॉपरली आपको एक स्वेटिंग का होता है, स्वेटिंग नॉर्मल स्वेटिंग जो आती है वो अच्छा है आने के लिए, लेकिन प्रोफ्यूज स्वेटिंग विदाउट एनी रीजन आना, अगर आप एसी में भी बैठे हैं फिर भी आपको स्वेट आ रहा है, तो वो चीज आपकी है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और मोस्टली अगर आपकी क्या कहते हैं लेफ्ट आर्म में हल्की हल्की नमनेस और पेन रहती है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। और फीमेल्स का मोस्टली ये होता है कि फीमेल्स को राइट साइड पे पेन फील होगी और मेंस को लेफ्ट साइड पे पेन फील होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर फीमेल्स को राइट एरिया में पेन हो रही है और वो पेन आपकी बैक तक जा रही है, तो हो सकता है कि फीमेल्स को हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये देखो कितने सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आप सबसे पहले जो कॉमन टेस्ट है आप ईसीजी पे जाइए, ज्यादा कोई बड़ा टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल ईसीजी करवाइए, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सर, डॉक्टर अंजना जैसे कि हमने देखा कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादातर उस तरह के पेशेंट्स में हमने देखी है, जैसे किसी को अगर ओबेसिटी है जी, या वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है जी, या फिर उनकी सिटिंग जॉब ज्यादा है
राइट तो ये केसेस क्या रिलेवेंसी क्या है कि क्यों इस तरह की परेशानियां उन लोगों को ज्यादा? देखिए जितने भी आपने चीजें बताई हैं कि सिटिंग है, खाना पीना नहीं प्रॉपर है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके कफ दोष को बढ़ाती हैं बॉडी में। क्या है कि अगर बैठे रहेंगे तो आप डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, अगर आप खाना पीना बाहर से बहुत खा रहे हैं तो भी कफ दोष बढ़ेगा, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो भी कफ दोष बढ़ेगा, क्योंकि ये कफ जो मेन है ये आपके हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। ओके, थैंक यू डॉक्टर रंजना। अब हमें ये बताएं कि अगर बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर हम चाहें कि नेचुरल तरीके से जी अपने हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाएं और मतलब हार्ट हेल्दी करें, तो इसके लिए वो कौन कौन से तरीके को अपना सकते हैं जिससे कि वो नेचुरली हार्ट को बेहतर बना पाए, हार्ट हेल्थ बेटर कर पाए? जी देखिए, जैसे हार्ट के लिए आजकल बहुत सारी ऐसे हमारे आयुर्वेदा में तो काफी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी कि जिससे आप जान पाए कि आप घर पे ही कौन सी चीजें ऐसी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करिए, आप बहुत अच्छी चीजें खाइए, पानी का इनटेक बहुत अच्छा रखिए, मगर अगर आप 3 से 4 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपकी प्रॉपर सर्कुलेशन चलेगी और आपके लिए अच्छा है। सेकेंडली, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, प्रोटीन इंक्लूड करिए, कार्ब्स, गुड कार्ब्स लीजिए, बैड कार्ब्स अवॉइड करिए। जो आपका ऑयल वगैरह यूज करते हैं वो हो सके कि आप रिफाइंड ऑयल्स को तो बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज वो क्या करते हैं कि अगर कोई भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं है और वो सिर्फ जमेगा आपकी बॉडी में, तो आप उसकी जगह पे आप देसी घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, काफी ऑप्शंस है हमारे पास, वो कर सकते हैं। थर्डली ये है कि आप क्या कह सकते हैं कि आप घर पे कुछ ऐसा बना सकते हैं जैसे कि दालचीनी और काली मिर्च। दालचीनी और काली मिर्च दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको एकदम से रश करते हैं बॉडी में और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कफ दोष को कम करते हैं। कफ दोष को कम करने वाले जो दो इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप अपनी चाय में या अपने खाने की आइटम्स में, जैसे कि आप लोग खाना खा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालें तो बहुत अच्छा है। अगर आप क्या कहते हैं काली मिर्च का इस्तेमाल, जैसे 3-4 सुबह उठ के काली मिर्च चबाना शुरू कर दें तो वो भी खाली पेट बहुत अच्छी है आपके लिए। लहसुन बहुत अच्छा है। लहसुन की कली क्या करना है, आपको रात को भिगो के रखनी है पानी में, सुबह वो 2 लहसुन की कलियां आप खाएं, ऊपर से वो पानी पीजिए, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छी है। उसके बाद हमारे पास घर पे कर्क्यूमिन है, तुलसी है, जो नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है, जो क्या करती है कि आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है बॉडी में, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और अगर आप आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अर्जुना तो बून माना गया है हार्ट पेशेंट्स के लिए, अर्जुना इज ए बोन, तो अर्जुना का अगर आप घर पे पाउडर की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में अगर आप लेंगे, रेगुलरली लेंगे, तो वो आपके हार्ट को एक नेचुरल तरीके से बूस्ट करता रहेगा और आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर रंजना। और मैं मेरे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी नेचुरल तरीका डॉक्टर रंजना ने अभी बताया, ज्यादा से ज्यादा इसको अपनाएं, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे आप आगे आने वाली परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर रंजना, एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तब आता है जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आती है। जी, हार्ट अटैक आने के बाद मैक्सिमम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है और उतना टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल जी। तो क्या कुछ नेचुरल तरीके से या क्या ऐसा इमीडिएट कुछ करके हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि 10% 20% थोड़ी सी मदद हो जाए, ताकि जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुंचे तब तक उन्हें बचाया जा सके या उनकी थोड़ी मदद की जा सके? जी देखिए विशाल जी, ये पहली बात तो ये है कि जब आपको हार्ट अटैक आ गया है तो उसमें आयुर्वेदा की ऐसी कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है जो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर उसमें हेल्प कर सकें, ताकि जिससे कि आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प मिल सके, तो मैं थोड़ी सी टिप्स बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको पेशेंट हार्ट अटैक आ गया है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको पेशेंट को नीचे लिटाना है, उसके नीचे कोई भी पिल्लो वगैरह नहीं देना है, प्रॉपर लिटा दीजिए उसको और उसकी टांगों को ऊपर की तरफ कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो सारा ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो आपको हार्ट की तरफ रश करेगा। तो ये चीज सबसे पहले करनी है। और आसपास जब भी कोई हार्ट का पेशेंट है तो आसपास ज्यादा रश मत करिए, क्योंकि फिर क्या है कि पेशेंट अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। तो ये चीज तो आपको प्राइमरी करनी ही है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि आप दालचीनी
और हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च का घोल मिला के अगर आप पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो पी सकता है तो वो आप दे दीजिए उसको। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप CPR टेक्निक दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले कि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनको पता नहीं है कि CPR क्या है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे करना है। उसके बाद आपको पेशेंट की चेस्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर पंप करना है ऐसे, इस और सेम रिदम में, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, और पंप करना है सेम रिदम में और थोड़ा प्रेशर के साथ करना है ताकि की हार्ट को बूस्ट मिले और वो पंप करना स्टार्ट हो जाए अगर वो रुक गया है। सेकंड ये है कि आप ये चीजें तो कर रही हैं आपने, लेकिन स्टिल मैं ये बोलूंगी कि आप टाइम वेस्ट किए बिना पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएं। और एलोपैथिक में तो बहुत से लोगों को पता ही है कि काफी ऐसी कोई टैबलेट्स होती हैं, तो वो आप लेके कर सकते हैं फॉर द इमरजेंसी पर्पस। लेकिन आयुर्वेदा में अगर आप इतना भी करोगे तो आपको हो सकता है कि 5-10% आपको इससे मदद मिल सके। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। कई बार अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें स्टंट डालने की सलाह दी जाती है या अलग अलग तरह की सर्जरी की सलाह दी जाती है अगर उन्हें हार्ट से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जी। तो क्या कुछ केसेस में जहां पे आपको सर्जरी की सलाह दी गई है वहां पे आप आयुर्वेदा से भी उस चीज को रिवर्स कर सकते हैं कि बिना सर्जिकल ऑपरेशन के भी आप उस चीज तक वापस आप ठीक हो पाए या उस हार्ट को बेहतर कर पाए? सर्जरी रिकमेंड हुई है तो वो पेशेंट सबसे पहले तो कंसल्ट करें डॉक्टर को। कोई भी अगर मेरे साथ कंसल्ट करेंगे तो सबसे पहले मुझे रिपोर्ट्स चेक करती हूँ ऐसे केसेस में कि कितनी परसेंट ब्लॉकेज है और कितने हद तक हम उनको रिकवर कर पाते हैं। तो अगर ब्लॉकेज है तो ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है जिससे कि पेशेंट को परेशानी हो, तो उन केसेस में हम अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में जैसे कि मैंने भी अपनी फॉर्मुलेशन एक तैयार की है लाइफ वेदा में, हेल्दी बीट्स में हमने ऐसी ही जड़ी बूटियां, ऐसे ही हर्ब्स डाले हैं और एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डाले हैं कि वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छी है। जो पेशेंट सर्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी रीजन से सर्जरी नहीं करवा सकते, तो उनको हम ये टैबलेट्स कम से कम 4-5 महीना लेने को बोलते हैं। साथ में आप अर्जुना कैप्सूल तो है ही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अर्जुना तो बून है। अगर आप ये दो कॉम्बिनेशन भी अगर आप स्टार्ट कर दे इनिशियल में, अगर आपको पता चला है कि आपको हो गया है हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टंट को थोड़ा सा आपके पास टाइम है, आप डिले कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये दोनों से ही काफी जगह पे मैंने देखा है, अपने पेशेंट ने भी ये टेस्ट किया है कि ब्लॉकेज निकल रही है, पेशेंट की ब्लॉकेज काफी हद तक कम हो रही है। तो अगर आप रेगुलरली करें और साथ में अपना लाइफस्टाइल और जो भी मैं डाइट प्लान करती हूँ वो आप करेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन गेट ओवर दिस प्रॉब्लम ना, कि समहाउ हम अपने ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को थोड़ा डिले कर सकते हैं और आपकी सर्जरी को कई केसेस में अवॉइड भी कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर अंजना, आप अपने एक्सपीरियंस और अपने जो इंटरेक्शन है आपके अपने पेशेंट्स के साथ, आपने अब तक आपके पास जितने भी हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स आए हैं इन प्रॉब्लम्स को लेकर, व्हाट परसेंट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको आपने अपनी मेडिकेशन से या आयुर्वेदा की मदद से उनको मदद पहुंचाई है और बिना किसी सर्जिकल या केमिकल बेस्ड मेडिसिन के वो वापस रिवर्स कर पाए हार्ट जी? देखिए, ऐसे आपने पूछा है क्वेश्चन कि मेरे भी ऐसे डे टू डे काफी पेशेंट्स हैं जो हार्ट से रिलेटेड आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें एक स्टंट डल गया है, लेकिन अगर हमें सेकंड स्टंट नहीं डलवाना है और आगे भी ब्लॉकेज के लिए उनको बोल दिया गया है और वो बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं जाके साइड इफेक्ट करती हूँ, तो उनको मैं साथ में अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं ये आप मानेंगे नहीं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बढ़ा हुआ है उनमें मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। लाइक अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर है तो आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको 300-400 तक भी आपका कोलेस्ट्रॉल है तो भी विद इन 2-3 months आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल में आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल में काफी हेल्पफुल है मेडिसिन, हार्ट के पेशेंट में भी काफी हेल्पफुल है कि अगर आप माने कि अगर आपके पास 50% पेशेंट है उनमें से 20-25 पेशेंट्स को काफी हद तक आराम आया है। और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो आपकी हार्ट की मेडिसिन के साथ हमारी मेडिसिन ले रहे हैं तो उनकी जो मेडिसिन चल रही है वो हाफ हो गई है, मतलब जो हार्ट के रिलेटेड मेडिसिन लेते हैं वो हाफ हो गई है क्योंकि काफी मेडिसिन हमारी मेडिसिन उनके साथ लेके अच्छा काम कर रही है। और वो एक तो नेचुरल है, पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकता है, मोर ओवर ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो अगर पेशेंट लेना चाहेगा तो वो एक ऐसे सप्लीमेंट ले सकता है। तो ये अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो काफी हेल्पफुल रहता है हार्ट के पेशेंट्स। एक्चुअली दर्शकों, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ही यही था
कि हम आपको बता पाएं कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन ही है या सर्जरी ही है, बल्कि आयुर्वेदा में भी आप इसका समाधान पा सकते हैं। और हमारे जैसे पेशेंट्स के साथ जो डॉक्टर रंजना का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उन्होंने बताया भी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आए उनके पास और उनके लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया और वो अभी हेल्दी हैं, काफ़ी फिट हैं। डॉक्टर रंजना, मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे जी, आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहे तो कैसे बात कर सकते हैं? जी विशाल, अगर पेशेंट इंटरेक्ट करना चाहते हैं या अपने कंसर्न्स मेरे साथ डिस्कस करने चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर फ्लैश हो रहा है और आपकी स्क्रीन में भी आप देख पा रही हो कि नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो हमारे हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं तो आप उनसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, तो आप मेरे से एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, तो टाइम स्लॉट्स देते हैं तो आप किसी भी टाइम स्लॉट में आप बात कर सकते हैं। यानी डॉक्टर रंजना के अनुसार आप इनसे डायरेक्टली फोन पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट आपसे आके डायरेक्टली लाइव विजिट करना चाहता है, आपसे ओपीडी तक आना चाहता है, तो कृपया अपना एड्रेस आप जरूर बताएं ताकि वो आपसे डायरेक्टली आके मिल सके। जी, अगर पेशेंट विजिट करना चाहते हैं ओपीडी में तो आपकी जो सारी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारा क्लिनिक है 82 में मोहाली में, तो आप विजिट कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कॉल करके एड्रेस पता भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से मिलने आ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर रंजना, थैंक यू वेरी मच, और मेरे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस डॉक्टर रंजना, आपसे मेरा लास्ट सवाल है कि क्या अगर कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर उन्हें हार्ट प्रॉब्लम नहीं भी है और वो चाहते हैं कि आपके कुछ मेडिकेशन अपनाएं जिससे उन्हें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया है कि जो आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स हमने तैयार किए हैं वो एज ए सप्लीमेंट, एज ए फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। वो ना सिर्फ एक हार्ट डिजीज वाला पर्सन ही ले सकता है, बल्कि नॉर्मल हार्ट, जिनको अपना हार्ट हेल्दी रखना है वो भी ले सकता है। तो आप अर्जुना कैप्सूल और हेल्दी बीट्स दोनों एज अपने हार्ट को बूस्ट करने के लिए भी ले सकते हैं और अपने प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए भी ले सकते हैं। तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्स आप लेना चाहें तो आप कंटिन्यूटी में ले सकते हैं, तो ऐसा कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं। थैंक यू डॉक्टर रंजना, और साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट्स डॉक्टर रंजना ने बताए हैं वो हमने उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। या हार्ट के अलावा भी अगर आपको किसी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की परेशानी है, हमारे ऑनलाइन स्टोर store.aveda.io.com पे विजिट करके भी मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपने हार्ट हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनके लिए सॉल्यूशन पा सके। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।